राघव गुप्ता हाय ब्रो, इस टाइम में कैसे आना। अरे भाई, हम लोगों का PMCW का सेकंड मैच, लास्ट एंड ग्रुप है। दैट्स भाई, हम लोगों का PMCW का फिफ्थ ग्रुप यही टाइम में है। दैट्स भाई, आना हो गया हम लोगों का, अब हम क्या करें ब्रो। देवू अलियो गेमिंग हाय ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। भाई 6 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी ब्रो। अरे थैंक्स भाई, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उसके बाद हम लोग ज़रूर स्ट्रीम में आ जाएंगे। चालू कर दूंगा मैं स्ट्रीम, एक सेकंड रुक जाओ बस। अरे सर विक फैन आई जी चौहान ओपी, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। नोबेल गेमिंग ब्रो हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। जो छो देख रहे भाई, थोड़ा सा रुक जाओ गाइस। शैडो वार्स क्या है समझा नहीं, आज हमसे बहुत अच्छे खेले हैं। बिल्कुल भाई, आज कैंपर्स के टीम सही में अच्छे खेले, बहुत दिनों के बाद। ये सही है, ये बिल्कुल सही बात है, आज बहुत दिन बाद कैंपर्स का टीम सही खेला, ये बिल्कुल। जैसे मैं लिखा था सपोर्ट फॉर एलेक्सी वर्स, शैडो वर्स, ओके मैं लिख दूंगा ब्रो। ओके ऑलरेडी 54 के ऊपर बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, इस वाले गेम में भी मजा आने वाला है। थंडर फाइट हाई वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स गाइस ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। हम लोग का स्ट्रीम कुछ ही मिनट में चालू हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। नूब जोकर हाय वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। भाई ये प्रैक्टिस स्ट्रीम से आएगा, क्लच गॉट वीड नहीं ब्रो, ये PMCW है हम लोगों का, हम लोगों का PMCW है ब्रो। PMCW एक टूर्नामेंट है, वहाँ पे इनवाइटेड टीम्स है, फाइनल्स में बहुत कुछ है भाई, एकदम सही टूर्नामेंट है ब्रो। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी तक रूम में घुसा नहीं अभी तक। आ गया मैं डेस्टिनी, जल्दी से जल्दी हटा दो भाई वहां से। भाई क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं खेल सकता हूँ क्या राघव गुप्ता ब्रो? इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन हमने वो खत्म हो चुके, इसके बाद वाले कोई सी टूर्नामेंट में जरूर आप खेल सकते हो। स्ट्रीम पैकेज वीडियो क्यों नहीं यूज करते हो? स्ट्रीम पैकेज वीडियो मतलब नूम जोकर भाई, स्ट्रीम पैकेज वीडियो मतलब समझा नहीं ब्रो, बताओ एक बारी हमको भी। आगे भाई मैं बहुत बहुत शुक्रिया डेस्टिनी भाई आने के लिए, बिल्कुल भी जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दो। ओके मैं एक बार बस शेयर करके ही आ जाता हूँ, बस एक मिनट में, एक सेकंड, मैं एक सेकंड सबको रिप्लाई दे रहा, रुक जाओ भाई इतना ज़्यादा मैसेज आ रहा है, एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक जाओ, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। ओके मैं आ चुका हूँ वापस अपना स्ट्रीम में लेके, अभी रिप्लाई देता। भाई क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है ब्रो? किसका क्या क्वालिफाई ये बताओ सबसे पहले, मैं खेल सकता हूँ क्या राघव गुप्ता? इस वाले टूर्नामेंट के ऑलरेडी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन और स्लॉट्स बिल्कुल फुल हो चुके, तो फिर इसमें तो नहीं खेल सकते। नेक्स्ट हम लोग जो टूर्नामेंट करेंगे उसमें ज़रूर आप रजिस्ट्रेशन करना राघव भाई,
स्ट्रीम पैकेज क्यों नहीं यूज़ करते ब्रो, किसका क्या स्ट्रीम पैकेज भाई एक बार बताओ हमको ब्रो। क्वालिफाई करने वाले ऐसा कुछ बात नहीं है, लाइक आपको रजिस्ट्रेशन टाइम में रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए, इसीलिए इस बार तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद वाले से ज़रूर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना, मैं लाइव में भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगा इसके बाद वाले टूर्नामेंट्स में, जो जो टूर्नामेंट होगा उसके लिए भाई एक बारी देख लो, क्योंकि स्लॉट 11 और 12 नहीं आई। डेस्टिनी भाई एक बारी देख लो, स्लॉट 11 और 12 नहीं आए, उनको एक बारी पूछ लो। स्ट्रीम स्टार्टिंग सून इसका वीडियो रहता है वो, है ना वो, आप लोग बिल्कुल वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑमलेट आर्केड एस ऑफ नाउ मैं पीसी से स्ट्रीम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मोबाइल से ही स्ट्रीम करता हूँ, और मोबाइल से स्ट्रीम करने से उस सब यूज़ नहीं कर सकता मैं। ऑमलेट आर्केड में सिर्फ इमेज ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वीडियो यूज़ नहीं कर सकते, दैट्स वाई। नहीं तो मेरा जो एडिटर है वो आसानी से बना देता, दिक्कत नहीं है उसका। भाई सुनो, ई ग्रुप में क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है ब्रो? ई ग्रुप नहीं है, लाइक ऑल ग्रुप्स ए बी सी डी ई अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन वाइज, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का ग्रुप्स डिवाइड होता है, उसके बाद गेम होता है, ठीक है ब्रो? दैट्स वाई, लाइक क्वालिफाई करने के लिए ऐसा कुछ नहीं, आपको जस्ट नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ग्रुप्स दिया जाएगा, उसमें खेलना पड़ेगा। उस क्वालिफायर्स ग्रुप के टॉप 8 टीम्स को सेमीफाइनल्स में खिलाया जाएगा, सारे ग्रुप्स में, लाइक ग्रुप ए बी सी डी ई 5 ग्रुप्स है, हर ग्रुप में से 8 टीम्स को खिलाया जाएगा सेमीफाइनल्स में, मतलब 8 × 5 टोटल 40 टीम्स होगा सेमीफाइनल्स में, और कुछ पेड या फिर इनवाइट स्लॉट्स रहेगा। उसके बाद टोटल 20 टीम्स रहेगा फाइनल्स में, उनमें से कुछ रहेगा इन्वाइटेड, कुछ रहेगा पेड, और कुछ रहेगा नॉर्मल सेमीफाइनल्स से टीम्स। आई गेस आप लोग समझ चुके हैं। जेड गॉड एनसीजी स्टार्ट कब होगा ब्रो? देखते हैं, आई डोंट नो, मैं तो रूम नहीं बना, मैं बस स्पेक्टेट में हूँ, दैट्स वाई। इन्फर्नो गुंडा बाहर निकालो, इन्फर्नो जोकर भाई बोला इन्फर्नो गुंडा को बाहर निकालो भाई, जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दो भाई। डेस्टिनी भाई ओ बिल्कुल स्लॉट नंबर 3 से इन्फर्नो जोकर की हेल्प कर दो ब्रो, आई गेस निकाल दिया क्या देवो? मुझे अभी मॉड मिलेगा क्या? टॉक्सिक फ्लैश टीम नेम क्या? समझा नहीं भाई टीम नेम क्या, किसका क्या टीम नेम? लियो गेमिंग है, हाँ दे तो सकता हूँ, लेकिन तू काम नहीं करता, तू बहुत काम चोर है। डीएम करना व्हाट्सएप में, मैं दूंगा तेरे को, तू मेरे को डीएम करना, मैं तेरे को दूंगा, लेकिन कुछ रूल्स है, तेरे साथ ट्रीटी करना है मेरे को, उसके बाद दूंगा मैं। 68 बंदे स्लॉट, लाइक मेरे को याद है ग्रुप ए में 67 था, ग्रुप बी में 80 के ऊपर था, ग्रुप सी 90 के ऊपर था, लाइक 90-88 था, ग्रुप डी में अराउंड 80-80 आसपास था, इसमें 69-70, ठीक है चलो ऑलमोस्ट सब में ही अराउंड 67-90 इस डिस्टेंस में ही रहा, 70-90 ग्रुप्स में ही रहा सारा गेम, तो फिर मज़ा आने वाला है। ओके ओके बिल्कुल, डेड जी गेमिंग स्टार्ट हो चुका है गेम, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स गाइस, हम लोग एच डी आर एक्सट्रीम में स्ट्रीम करने वाले हैं, तो फिर बने रहो गाइस स्ट्रीम पर, हम लोग एच डी आर एक्सट्रीम में स्ट्रीम करेंगे। और ये भाई अपना डेस्टिनी भाई एक बार शेयर कर देना हो सके तो, मैंने भी डाल दिया कुछ ग्रुप्स में, आप भी डाल देना। दस की वाचिंग है गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने टीम्स के साथ जो जो पबजी वगैरह खेलते हैं सबके साथ शेयर कर देना गाइस। मैं डाल दिया, बहुत बहुत शुक्रिया डेस्टिनी ब्रो। ओके इसी के साथ साथ हम लोग का फिफ्थ एंड लास्ट ग्रुप PMCW का पहला गेम, मतलब फिफ्थ ग्रुप का पहला गेम चालू होता हुआ, और ये है प्लेन पाथ। लेट्स सी इस बारी कौन सा टीम खेल दिखाया गया, या फिर से अपना जोन खेल दिखाता है, लेट्स सी क्या होता है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स जो जो खेल रहे इसमें, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स सी क्या होता है इसमें। ड्रैगोनियन गेमिंग व्हाट्सएप, अरे भाई बढ़िया ब्रो, आप बताओ आप कैसे हो, शेयर कर दे ड्रैगोनियन भाई, जो जो ग्रुप्स में तो एडिट है एक बारी शेयर कर दे हो सके तो। ये है प्लेन बात, ऐसा अपना हम लोग देख सकते हो सदर्न आइलैंड में इस बारी कुछ टीम्स गई है, एक्चुअली ज़्यादा टीम सदर्न आइलैंड में हम लोग देख चुके थे, लाइक पहले 2 या 3 गेम में हम लोग देख चुके थे, लाइक ज़्यादा टीम्स नहीं गया था, लेकिन इस बारी हम लोग देख सकते कुछ टीम्स है सदर्न आइलैंड में। टीम नंबर 20
किधर जा रहा है? टू टू स्पीड एट आई गेस, छोटे मोटे कॉम्पाउंड्स वगैरह लूट करेगा। और ये लोग आई गेस प्रीमास के साइड जा सकता है। यहाँ पे मिलिट्री बेस में हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 21 और टीम नंबर 10, तो दोनों टीम के बीच यहाँ पे गन फाइट हो सकता है। शिकारी और वीटी का टीम हम लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी बहुत बार खेला है, सही खेला है भाई। टीम गॉडेक्स को स्पीड ट्रीट करो प्लीज़, ज़रूर करेंगे भाई, लेकिन एक बार स्लॉट नंबर बताना होगा आपको। स्लॉट 15 ओरिजिनल्स के पास ज़रूर जाएंगे हम लोग। और मेरा स्ट्रीम नेटवर्क इज़ नॉट स्टेबल दिखाता। ओरिजिनल के टीम फिलहाल ये जाता हुआ ब्रो, आई गेस स्ट्रीम सही चल रहा है, आई थिंक स्ट्रीम सही चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो फिर बता दियो ब्रो, अगर लाइक घूमे या फिर कुछ भी हुआ तो फिर बता देना। हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे टीम्स यहाँ पे राइट और मिडिल साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी टीम अभी तक नहीं गया एक्सेप्ट टीम नंबर 20 का दो बंदा। लेट्स यहाँ पे कैसा सेपरेट बनता है। और जोन सबसे पहले जोन से ही खेलना चालू कर चुके हैं, जोन बिल्कुल बन चुका है एकदम लेफ्ट और ऊपर साइड में। पोचिंग के भी यहाँ पे फिर से हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टीम्स यहाँ पे। हम लोग ग्राउंड में अगर चल रहे तो फिलहाल यहाँ पे चार टीम्स हम लोग देख सकते हैं आसपास। ये किधर चल रहा है? टीम नंबर 6 है यहाँ पर, टीम नंबर 18, दोनों टीम्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टीम नंबर 8 आई गेस स्वाइप हो चुकी मिडिल में। टीम 16 को स्पेक्टेट करो मीट पटेल, बिल्कुल भाई टीम 16 के पास हम लोग जरूर जाएंगे भाई। ये लॉस्ट टीम 16 भाई फिलहाल तो जाता हुआ गाड़ी वगैरह उठा के नूब को, अरे भाई कोई भी टीम अभी नूब नहीं है भाई, फिलहाल तो गाड़ी वगैरह लूट के जोन के बिल्कुल इधर उधर जाता हुआ। लेट्स सी क्या होता है। सारे टीम्स ऑलमोस्ट सेपरेटेड हो चुके हैं, लेकिन पोचिंग के साइड में हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टीम्स है, वो एक दिक्कत का सीन बन सकता है सारे टीम्स के लिए। कोचिंग की में आल्टी फाइट देखने को मिल सकता है। टीम 15 प्लीज ज़रूर जाऊंगा भाई, टीम 15 के पास भी ओआरजी और स्कैम का टीम फिलहाल यहाँ पे लिप ऑफ का में दो टीम होती है, टीम नंबर 15 और 17। इन दोनों टीम के बीच फाइट्स हम लोग देखेंगे ज़रूर, लेकिन एक बात बता रहा मैं कुछ आर्ली फाइट्स मिस करूँगा जानबूझ के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ये हो। स्ट्रीम स्नाइप हो, मेरे को वार्ड याद ही नहीं रहता सही से, स्ट्रीम स्नाइप हो दैट्स वाई हम लोग सही से करेंगे स्ट्रीम। ओके लाइक कुछ फाइट्स हम लोग जानबूझ के स्ट्रीम नहीं करेंगे, लाइक नहीं दिखाएंगे, आली वाला एंड में हम लोग सबका दिखाएंगे, वो दिक्कत नहीं। ओपी स्ट्रीम कॉल लेते शुभम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग एच डी आर स्ट्रीम में करेंगे, नहीं ब्रो मैं फाइट्स सबसे पहला जोन का फाइट हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्ट्रीम स्नाइप हो टीम्स के लिए। हम लोग एंड में सारा स्ट्रीम हम लोग सारा फाइट्स कवर करेंगे बिल्कुल एंड जोन का। आई गेस जो दूसरा जो स्ट्रीमर है A3 गेमिंग, वो तो ज़रूर कवर कर रहा होगा आर्ली फाइट्स को, मैं नहीं करने वाला आर्ली फाइट्स को कवर। वैसे भी वो करना होगा, दो स्ट्रीमर एक साथ काम करे तो फिर उस उनको तो वैसे भी कर रहा होगा, तो फिर आप जिनको जिनको देखना हो तो फिर वो बाद में वहाँ पर वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर फाइट के पास चले एक बार हम लोग पोचिंग का फाइट ज़रूर देखेंगे एक बार। टीम नंबर 8 का तीनों बंदे जिंदा है, 18 का टीम नंबर 6 के यहाँ पे तीन ही बंदे जिंदा है, एक बंदा ऑलरेडी डाउन हो चुका है। स्लॉट 15 के पास हम लोग ऑलरेडी गए थे भाई प्रज्वल ब्रो, हम लोग ज़रूर जाएंगे और एक बार। टीम नंबर 18 का एक बंदा डाउन हो चुका है, लेट्स सी क्या होता है। टीम नंबर 6 यहाँ पे पुश इन करने की कोशिश करते टीम नंबर 18 के ऊपर, उसी वजह से इंफो 16 चलता है। यहाँ पे दोनों ने दोनों को 1 HP दिया, लेकिन यहाँ पे इम्पल डाविस ने वहाँ पे बिल्कुल डाउन कर दिया टीम नंबर 18 के एक और बंदे को। टीम नंबर 18 का लॉ था एक बंदा, IG जोरो भाई जिंदा है यहाँ पे, स्कारेल लेके फिलहाल TPP लेते हैं, लेट्स सी क्या करते। ओके यहाँ पे डाउन कर दिया टीम नंबर 6 से एक बंदे को, फिनिश भी निकाल देंगे। तो टीम नंबर 6 का एंगल देखे तो फिलहाल एक ही बंदा जिंदा, एक बंदा नॉक पड़ा है उसको रिवाइव देंगे। और टीम नंबर 18 का भी सेम ही हालात है, दोनों दोनों को रिवाइव दिया जा रहा है। और टीम नंबर 4 फिलहाल पोचिंग के साइड में, लेकिन आई डोंट थिंक ये लोग फाइट्स में एंगेज होंगे बहुत ही जल्दी। स्लॉट 15 के पास हम लोग ज़रूर जाएंगे ब्रो, थोड़ा सा रुक जाओ हम लोग ज़रूर जाएंगे भाई। स्लॉट 15 के बस चलते हैं चले इन द मीन टाइम, क्योंकि ये लोग फिलहाल तो फाइट्स नहीं ले रही। यहाँ पर टीम नंबर 15 और 17 के बीच फाइट देखने को मिलेगा लिपोफका में, लिपोफका विलेट सी क्या होता है यहाँ पे इन दोनों टीम के बीच। गाइस जो जो देख रहे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके, एंड थैंक्स एवरीवन जो जो ज्वाइन किए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस।
स्लॉट 19 XRF गेमिंग, बिल्कुल जाएंगे हम लोग स्लॉट नंबर 19 के पास। ले एक सेकेंड में चलता हूँ ब्रो। एक सामने ने ऑलरेडी एक बंदा खो चुका है, लेकिन यहाँ पे वाटर सिटी में सही से लूट करता हुआ और दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टीम नंबर 19 के एक बंदा रोजॉक में भी है, बाकी के दो बंदे हम लोग देख सकते हैं वाटर सिटी। लेट्स सी क्या होता है। टू के आई थिंक और 2 दिन लगेगा, लेट्स सी कितना दिन लगता है। टू के 2 दिन नहीं, कुछ और भी दिन लगेगा। लाइक एक्सपेक्टेडली इस मंथ के एंड तक 2K हो जाएगा। इस मंथ जैन के एंड तक आई गेस 2K हो जाएगा आसानी से। ओके, इम्पर्टल डेविस ने फिर से आईजी जोरो को डाउन कर दिया। पोचिंग का फाइट फिर से चालू होता हुआ। टीम नंबर 18 का यहाँ पे एक लौता बंदा सिंधे, अभी तो टीम नंबर 6 पूरा पुशिंग करने वाली है यहाँ पे टीम नंबर 18 के ऊपर। 2v1 का सीन है, लेट्स सी क्या होता है। स्मोक्स भी डाल चुके हैं ऑलरेडी, कॉपर्ड किए जरूर। एक बंदे को नॉक निकाला टीम नंबर 18 के, लेकिन आसानी से यहाँ पे ये वाला फाइट निकालता हुआ टीम नंबर 4। अभी देखते हैं टीम नंबर 6 इन लोग, टीम नंबर 4 इन लोग अगर पुश इन करते हैं या फिर नहीं। अगर पुश इन करते तो फिर ज़्यादा एडवांटेजेस बन सकता है। स्लॉट 15 प्लीज जरूर हॉन हंट भाई, जरूर जाएंगे ब्रो, थोड़ा सा रुक जाओ, जरूर जाएंगे गाइस। जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो ब्रो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से जल्दी। टीम नंबर 15 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भाई, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं मेरे को देख सकते हैं। बी डेट कम करना, क्यों क्या हो गया, सही नहीं चल रहा क्या स्ट्रीम, सही नहीं चल रहा क्या स्ट्रीम। 10 Mbps तक है मेरा, तो 10 Mbps सही चल रहा है ब्रो। कितना कम करो एक बारी बताओ, 10 Mbps तक है मेरा, एक बारी बताओ क्या दिक्कत आ रहा है। डेस्टिनी भाई स्ट्रीम लैग, ओके कर रहा मैं। ज़्यादा तो नहीं करना कमाने वाला, 8 तक कर देता हूँ, आएंगे सही हो जाएगा। यहाँ पर टीम नंबर 15 और 18 के बीच यहाँ पे गंदा फाइट होने का चांसेस है। लेट्स सी क्या होता है। एक दूसरे के ऊपर लॉन्ग रेंज फाइट 3 कर दे, नहीं ब्रो 3 बहुत कम है, 8 तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक्चुअली सही रहता है नेटवर्क, थोड़ा सा अभी दिक्कत कर रहा है लेकिन फिर से सही हो जाएगा, नो टेंशन। मेरा वाईफाई सही है ऑलवेज, ठीक हो गया बिल्कुल भाई। 8 तक कर दे, एक्चुअली मेरा सही चलता है ऑलवेज। फिर से अरे गलत, फिर से हो गया स्ट्रीम कनेक्शन दिक्कत। चलो कोई ना, जो हो रहा है उसमें ही हम लोग और कुछ कर तो नहीं सकते। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग गाइस, जो जो देख रहे हो सपोर्ट कर देना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके भाई। यहाँ पे टीम नंबर 15 का टीम आई गेस फॉल बैक करने की कोशिश करते, टीम नंबर 17 के साथ एंगेज नहीं लिया। वहाँ पे एस्टेट मिथिक भाई डाउन हुए, यहाँ पे अगर रीच पकड़ नहीं सकते, ये एक दिक्कत का सीन है। ओके गाड़ी ऑलरेडी ब्लास्टेड है, अगर थोड़ा सा ये वाला रीच नहीं मिलता इनको दिक्कत का सीन बन सकता है। स्लॉट 16 के पास जाएंगे ब्रो भाई, स्लॉट 16 के कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50K व्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया ड्रैकोनियन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ड्रैकोनियन। अमित पटेल भाई बिल्कुल हम लोग स्लॉट 16 के पास आ चुके हैं, लेकिन आप एक बड़ी लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट दिखा दो अपने भाई को। गाइस क्वालिटी अभी सही है ना, डेस्टिनी भाई आप भी एक बड़ी बता दो क्वालिटी सही है ना अभी। भाई बिग फैन मीट पटेल ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो, आप एक बड़ी लाइक सब्सक्राइब करके अपनी टीम्स, जो जो बंदे आप लोग के दोस्त के फ्रेंड्स सर्कल में हैं पबजी वगैरह खेलते हैं उनके साथ शेयर वगैरह कर दियो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर रहा है, दैट्स वाई कभी कभी दिखा रहा है कि स्ट्रीम नेटवर्क नॉट स्टेबल, फिर भी वो सही हो जाएगा। आई एम सो सॉरी फॉर इट। इट इज स्लॉट 21 जरूर जाएंगे, ऑल गुड गुड ओके ब्रो। स्लॉट 21 के पास हम लोग चलते हैं, वहाँ पे टीएम के साथ किसी का फाइट हो गया। टीएम का 3 बंदे बैक टू बैक डाउन होता हुआ। शुभम भाई मेरा डिवाइस ब्रो IQ O3 है, वहाँ पे टीएम का आई गेस बंदा डाउन होता हुआ, फिनिश भी हो चुका है स्लॉट 17 के बंदे फाइट लेके। मैंने ये वाला फाइट मिस कर दिया, सो सॉरी फॉर इट। स्लॉट 21 ऐसा अपना VT का टीम हम लोग देख सकते हैं, ये वाला कंपाउंड में होल्ड करता हुआ। 10 मिनट गेम के बाद 53 बंदे और 15 टीम्स जिंदा है। ग्राफिक सेटिंग्स ब्रो HDR एक्सट्रीम चल रहा है भाई। 1 शाउट आउट मीत पटेल ब्रो, बिग शाउट आउट टू यू भाई। पर्पल गैंग, अरे भाई पर्पल गैंग का स्लॉट नंबर बताओ, हम लोग जरूर जाएंगे पर्पल गैंग की तरफ।
अक्षत आकाश द वर्ल्ड। गाइस जो जो देख रहे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ज़रूर एक बारी शेयर कर देना, सपोर्ट दिखा देना अपने भाई को। आकाश दावर ब्रो हम ये करते हुए लाइक मेरा HDR एक्सट्रीम चलता हुआ ग्राफिक सेटिंग्स अपना ओरिजिनल्स का फाइट दिखा। ओरिजिनल्स कितने स्लॉट्स में, ओरिजिनल्स किस कितने नंबर के हैं स्लॉट्स, स्लॉट नंबर बताओ ओरिजिनल्स के, मेरे को तो ढूंढना बहुत दिक्कत है मेरे लिए ब्रो, ऐसे नेम बोलोगे तो। और जी ये है क्या स्लॉट, ऑलरेडी 4 kills उठा चुके हैं, डोंट थिंक अभी और भी फाइट लेंगे शुभम भाई। भाई शाउट आउट मीत पटेल ब्रो, बिग शाउट आउट टू यू, तो पिक्चर में दिखा हो सही से नज़र नहीं आ रहा, अरे सही से नज़र आना नहीं चाहिए यहाँ पे, बस क्वालिटी का मजा लो आई गेस, उसमें ही सही है क्वालिटी, सही है ना क्वालिटी, सही है ना वो, बस एक बारी बता दो हमको क्वालिटी सही है कि नहीं। ओ भाई साहब मेरा चार्ज खत्म होता हुआ, ओके आ चुका मैं वापस, बस 4% चार्ज था मेरे सेकेंडरी डिवाइस में। सर मेरे व्हाट्सएप याद हो वर्जी स्क्रीन्स, हाँ बिल्कुल भाई याद हूँ मैं, याद हाँ ब्रो बिल्कुल याद हो आप, सर याद हूँ मैं बोल रहा था। यहाँ पे टीनर 16 और 22 वाला फाइट हम लोग कवर्ड कर सकते हैं, टीनर 16 का एक बंदा डाउन, यहाँ पे टीनर 22 इन लोगों के पास पुश कर सकते हैं। ओपी ओपी गाड़ी का स्क्रीन है ये, हाँ भाई कोई टीम है मेरे पास हेल्प कर दो, कोई टीम नहीं है मेरे पास हेल्प कर दो, क्या टीम चाहिए ब्रो, टीम 6 को दिखाओ, ज़रूर दिखाएंगे भाई। यहाँ पर टीम 22 और 16 के फाइट के बाद हम लोग ज़रूर जाएंगे टीम 6 के पास, यहाँ पर टीम 16 के एक बंदे को आसानी से डाउन कर दिया, टीम 16 के बाकी के बंदे हम लोग देखेंगे, अगर दो बंदे हम लोग देख सकते टीम 16 का यहाँ पे जिंदा है भाई, अकेला एक बंदे यहाँ पे जिंदा, हाथ में एक की एम लेकर सामने टीम 22 का टीम, ओके एक दो बंदा डाउन है, 3 बंदे का हेल्थ खराब, लेकिन यहाँ पे ये वाला फाइट जीत के 5 kills कर चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर 22 का टीम। फोन फार्मर XRF गेमिंग ब्रो, मेरा IQ O3 है, IQ O3 और ग्राफिक सेटिंग्स है, HDR एक्सट्रीम चल रहा है, क्या स्ट्रीम क्वालिटी है, बहुत बहुत शुक्रिया, फुल HDR दिख रहा है बिल्कुल भाई, HDR एक्सट्रीम ही चल रहा है अपना ग्राफिक्स, क्वालिटी इशू गाइस किसी को क्वालिटी इशू तो फिर बता देना भाई, अगर क्वालिटी इशू दिखा रहा है तो फिर बताना, मैं स्मूथ एक्सट्रीम कर दूंगा या फिर HD एक्सट्रीम कर दूंगा अगर कोई दिक्कत वगैरह हो रहा है। सेम फॉर नाइस ब्रो, PUBG का लाइनअप चाहिए मीट पातल ब्रो, मेरे को इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप में DM कर देना, मैं आपका विथ KD वगैरह अचीवमेंट्स वगैरह मैं ज़रूर अपने ग्रुप्स में डाल दूंगा आपके लिए। क्वालिटी इशू हो रहा है, ओके मैं थोड़ा सा ग्राफिक्स लो कर देता हूँ, रुक जा HD कर देता हूँ, सही हो जाएगा आई थिंक, HD एक्सट्रीम कर दिया मैं, थोड़ा सा लो कर दिया ग्राफिक्स। चलो और कितने मैचेस है, नहीं आज ये ही लास्ट मैच है ब्रो, कलरफुल कर लो, ओके कलरफुल, ओके कलरफुल HD एक्सट्रीम कर दिया मैं, चलो थोड़ा सा लो हो गया। और जी अभी बिल्कुल मैं आपका मॉड शुभम रखा बिल्कुल भाई, मैं आ जाओ उस सेम वाले अकाउंट में, आ जाओ उस वाले अकाउंट में ही आ जाओ शुभम भाई, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मॉड यहाँ पे आएगा, इसलिए मैं बॉट्स वाले ग्रुप में नहीं छोड़ा। 29 फार्मर XRF गेमिंग भाई समझा नहीं क्या 29 टीम 6 सीकर, हाँ सॉरी ब्रो मैं भूल गया था एक्चुअली, इतना चैस आ रहा था इसलिए। टीम 6 बिल्कुल यहाँ पे 2 ही बंदे जिंदा है, 7 kills ऑलरेडी कर चुके, तो फिर OP है भाई, 7 मतलब 14 points ऑलरेडी कर यहाँ पे निकल चुके हैं टीम नंबर 6 का टीम, नाइस बोलते ब्रो। अरे लैपटॉप है मैं ओपन करने नहीं देखी, ओके ब्रो 19 के पास जाएंगे भाई, ORG OP बिल्कुल भाई, ORG OP भाई, लेकिन ज़्यादा स्पैम मत करो नहीं तो नाइट बॉट बैन दे देगा, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा नाइट बॉट अगर कुछ भी कर दे तो। स्लॉट 19 के पास एक बारी चलते हैं हम लोग, स्लॉट 19 XRF का टीम यहाँ पे फिलहाल तो रूइंस होल्ड करती हुई, तीनों के तीनों बंदे इनका जिंदा, एक बंदे आई गेस अर्ली फाइट में डाउन होते, बाकी के यहाँ पे 3 बंदे हम लोग देख सकते हैं जिंदा है। स्लॉट 15 के पास जाएंगे, स्लॉट 5 के पास जाएंगे, सॉरी ब्रो सॉरी क्या, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं, नाइट बॉट दिक्कत दे देगा आपको, दैट्स वाई बोला मैंने और कोई नहीं।
और कुछ नहीं, स्लॉट 5 ब्रो आई गेस डाउन हो चुकी है भाई आकाश दावर ब्रो। स्लॉट 15 के पास हम लोग जरूर चल सकते हैं। स्लॉट 15 और जी का टीम फिलहाल तो रोटेट करती है सेकेंड जोन में। एक बार ड्रॉप चेक कर लेते हैं इन द मेन टाइम। एक्सर एफ का साथ इन्फर्नो का फाइट चालू हो चुके, लेकिन इन द ड्रॉप में है MK14 टीम नंबर 19 के पास चलते हैं। एक्सर एफ का एक बंदा डाउन है इन द मेन टाइम। अगर इन्फर्नो के पास चले, इन्फर्नो का दो बंदा डाउन है। इन्फर्नो अंकित यहाँ पे रिवाइव दे रहा है अपने टीम मेट्स को। अगर यहाँ पे एक्सर एफ का टीम पुश वगैरह करते हैं तो फिर दिक्कत का सीन बन सकता है इन्फर्नो के लिए, लेकिन एक्सर एफ लेजेंड को यहाँ पे रिवाइव थोड़ा सा दूर है इसलिए रिवाइव नहीं दे पा रहा। आई गेस आ रहा है उनका टीम मेट्स रिवाइव देने के लिए। अगर इन द मेन टाइम चले एक बड़ी सामने इन्फर्नो की तरफ, इन्होंने एक बंदे को नॉक रिवाइव मिल चुका है। एक बंदा फिलहाल यहाँ फील करते ग्रेनेड आया एक ओपी और इन्फर्नो का तीनों के तीनों बंदे यहाँ पे डाउन होता हुआ गलत सीन बन गया। यहाँ पे इन्फर्नो के लिए गलत नेड आया, डाउन हो गया। उन्होंने चिकन लिया ग्रुप से आइए। अरे नाइस ब्रो देखो अभी क्वालिटी का इशू हो रहा है, अभी भी क्वालिटी की इशू हो रहा है। अभी क्या हो गया ओआरजी ओपी 15 की वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस जो देख रहे हो। क्वालिटी इशू, क्वालिटी में क्या इशू चल रहा है गाइस? ओके मैं स्मूथ एक्सट्रीम कर रहा है आई गेस। बहुत लोगों का क्वालिटी इशू चल रहा है, मेरा नेटवर्क भी थोड़ा सा लो है तो फिर मैं स्मूथ एक्सट्रीम कर रहा हूँ। मैं बाद में फिर से HDR एक्सट्रीम कर दूंगा, ऐसा अपना स्मूथ एक्सट्रीम ही देख लो। आई एम सो सॉरी, लेकिन बाद में मैं फिर से HDR एक्सट्रीम कर लूँगा भाई। गाली मत दो। अगर ये वाला गेम में मर गया होगा तो फिर टेंशन ना लो, नेक्स्ट गेम बिल्कुल सही हो गया। स्ट्रीम डिले है ब्रो थोड़ा सा है, 30 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स तक। बीच में क्वालिटी ज़्यादा, स्ट्रीम डिले है ब्रो थोड़ा सा। थोड़ा सा है ब्रो स्ट्रीम डिले मेरा, लाइक मैं अभी सेकेंड डिवाइस से देख रहा हूँ, थोड़ा सा तो है ही डिले भाई। मैं अपने मोबाइल और सेकेंड डिवाइस से देख सकते हो, अराउंड 30 सेकेंड्स का तो है ही डिले भाई। यश गाली ना दे, टाइम आउट दूंगा, वही बोल रहा मैं, कोई गाली ना दो ब्रो। स्लॉट 21 चलो ब्रो, गाली नहीं नॉर्मल बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का दिक्कत है बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर टीम नंबर 10 के ऊपर चलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे I1 PUBG डाउन होते हैं। टीम नंबर 21 के बाकी के टीममेट्स के पास चलते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। टीम नंबर 21 यहाँ पे रोटेट करती है टीम नंबर 10 के बिल्कुल क्लोज से। लेट्स सी, एक बंदा ऑलरेडी नॉक फिनिश हो गया, बाकी के बंदे साइड्स से निकाल दिया गया। स्लॉट 15 के पास चलते हैं भाई, चलो ORG का टीम। हम लोग बिल्कुल स्लॉट डीले हैं भाई, बहुत बार बोला मैं। वहाँ पे एक बंदा कार स्लॉट के हाथों डाउन होता हुआ, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 15 जहाँ से रोटेट करते हैं वहाँ पे टीम नंबर 9 का टीम है। और यहाँ पे दिक्कत बन गई, यहाँ पे गाड़ी का दोनों गाड़ी के बीच टक्कर हो गया और वार्ड जी का थोड़ा सा दिक्कत हो गया। यहाँ पे दो बंदे ऑलरेडी नॉक हो चुके, टीम नंबर 9 अभी पुश इन कर सकती, थोड़ा सा यहाँ पे इरर हो गया टीम नंबर 15 के तरफ से। वहाँ पे आई गेस डाउन हो सकते हैं, एक बंदे को ऑलरेडी फिनिश कर दिया गया, बाकी एक और देखिए यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा, दिक्कत का सीन हो गया यहाँ पे टीम नंबर 15 के लिए। लेट्स सी क्या होता है, क्या वो यहाँ से निकाल पाएंगे कि नहीं। ओ भाई साहब स्मोक्स वगैरह ऑलरेडी डाल चुके हैं। लेट्स सी हम टीम नंबर 9 पुश इन करते हैं, यहाँ पे टीम नंबर 15 यहाँ से फॉल बैक कर लेंगे। वहाँ पे शिकारी भाई वहाँ पे डाउन होता है, टीम नंबर 15 का एक बंदा ऑलरेडी फॉल बैक किया कर चुके हैं। स्कैम के ऊपर भी यहाँ पे शॉट्स वगैरह आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है। तीसरा जोन बन चुका है और ऑलमोस्ट सारे टीम्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जोन इन कर चुकी है। 20 मिनट गेम के बाद अभी तक 37 बंदर 11 टीम्स है, लेकिन टीम नंबर 9 भी हम लोग देख सकते हैं छोड़ने वाले टीम्स में नहीं है। थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करते हुए टीम नंबर 9 का टीम, लेकिन टीम नंबर 9 के एक बंदे को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। बाकी के बंदे के पास हम लोग चलेंगे, यहाँ पे PP बाइजन से स्प्रे देने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे। यहाँ पे स्कैम के ऊपर भी यहाँ पे स्प्रे दिया जा रहा है PP बाइजन से, बहुत ज़्यादा डैमेज है, डाउन कर दिया दो बंदे को यहाँ पे बैक टू बैक। लेकिन पीछे से यहाँ पे टीम नंबर 6 आता हुआ गलत सीन, और जी के अगर लौता बंदे के पास देखे तो फिलहाल थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये भी नहीं छोड़ने वाले, फाइट्स ले रही है कंटिन्यूस। ये भी पता है इनके अकेले बंदे फीड भी फाइट्स ले रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है फाइट किल्स का कितना पॉइंट्स है भाई। एक एक किल्स का 2 पॉइंट्स उनको मिल सकता है, इसीलिए सबको पता है किल्स का प्रॉफिट। यहाँ पर टीम नंबर 9 के ऊपर भी शॉट्स
वगैरह आ रहा है यहाँ पे ऊपर से डीपी का, बिल्कुल 1H वगैरह एक भी शॉट वहाँ पे कनेक्ट होता तो फिर दिक्कत बन सकता था वहाँ पे टीम नंबर 9 के उस बंदे को रिवाइव देना भी, क्योंकि उनके आसपास भी कोई टीममेट्स नहीं था। गाइस जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके भाई, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो भाई सब्सक्राइब एंड लाइक करके। यहाँ पे तीसरा जोन बन चुका है, लेट्स यहाँ पे चौथा जोन किधर बनता है। यहाँ पर टीम नंबर 22 और 19 में हम लोग देख सकते बहुत ज़्यादा क्लोज है। XRF के ऊपर गाड़ी वगैरह ब्लास्ट ऑलरेडी कर चुका है, ओके। यहाँ पे टीम नंबर 19 का एक लौथा बंदा हम लोग जिंदा देख सकते हैं। ऊपर है टीम नंबर 22 का टीम, लेट्स सी क्या होता है। भैया 5 मिनट का करो ब्रो, ये PM CO नहीं हो रहा भाई जी, 5 मिनट का मैं डिले कर लो। यहाँ पर टीम नंबर 22 के एक बंदे को डाउन कर दिया, टीम नंबर 22 नहीं कर पाए, इसके साथ साथ टीम नंबर 19 का टीम वाइप होता हुआ 22 के आ। तो भाई उतना टाइम डिले नहीं हो सकता ब्रो, PMCO वगैरह में ही 10 या 15 मिनट का डिले होता है मैक्स टू मैक्स। मैं अगर अभी इस छोटे सा टूर्नामेंट के लिए अगर 5 मिनट का डिले करो, दैट्स बिल्कुल भी लाइक ये नहीं है। रूम ज्वाइन कर सकता हूँ, रूम ज्वाइन समझा नहीं ब्रो। स्लॉट 15 बिल्कुल भाई जाएंगे स्लॉट 15 के पास, स्लॉट 15 में ही हूँ भाई, स्लॉट 15 में ही हूँ ब्रो। अगर कोई स्टीम स्नैप भी करता लेकिन उससे तो उसका स्किल्स नहीं इंक्रीज होगा ब्रो। यहाँ पर टीम नंबर 15 के एक लौथा बंदा, इनके ऊपर भी शॉट्स आ रहा है कंटिन्यू, इनके सामने टीम नंबर 14 के बंदा, पीछे टीम नंबर 7 के बंदा, सारे इनके ऊपर शॉट्स ले रहा है। ORG का टीम खत्म होता हुआ, दिक्कत हो गया इन लोगों के लिए, सारे साइड से शॉट्स वगैरह आया। मैं टीम नंबर 19 के बंदे के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं टीम 19 के बंदों पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, ओके ओके ब्रो नो इशू। यस भाई अगर एक बार और गाली दिया आपको बैन मिल जाएगा ब्रो, अगर एक और बार आप मैसेज किए तो ऐसा कुछ। ओके चौथा जोन बन तो हम लोग देख सकते हैं, जॉर्ज फूल के साइड में बनना है जोन। यहाँ पे कुछ टीम को जोन इन करना होगा, लेकिन हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम टीम जोन के अंदर है, कुछ टीम को यहाँ पे फिर भी जोन के अंदर जाना है, लाइक टीम नंबर 9, 13 और टीम नंबर 20 का टीम। मैं टीम्स का सब्सटीट्यूट प्लेयर हूँ समझा ब्रो, रायन साक। हाँ बिल्कुल भाई ऐसा ही रहता है, वो मैक्सिमम टीम का सब्सटीट्यूट या फिर मैनेजर्स रहता है जो स्ट्रीम पे आके देखते हैं, और उन लोगों का जब फाइट होता है वो लोग कॉल देते हैं कि इन टीम को स्पेक्टेट करो, और इससे क्या होता है वो जो जो बंदे रिकॉर्ड नहीं कर पाते वो लोग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन, इससे आसानी होता है। मैं भी खुद एक टाइम में करता था ब्रो, जब मेरा सही डिवाइस नहीं था, इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। बट इनोवा 7 ने एक टीम को डाउन कर दिया भाई साहब, गलत। हेलो ब्रो अभी स्ट्रीम चल रहा, बिल्कुल भाई PMCW का एंड आखिरी का फाइट हम लोग देख सकते हैं। यस बॉस गाली मार दे, बिल्कुल भाई गाली चल, कुछ भी डीले कर स्ट्रीम्स नहीं होता है भाई, डीले कर स्ट्रीम्स नहीं होता है ब्रो, डीले ऑलरेडी 30 सेकेंड्स का है, उससे ऊपर मैं नहीं कर सकता ब्रो। स्ट्रीम्स नाइम का ब्रो मैं कुछ नहीं कर सकता ब्रो, 30 सेकेंड्स का डिले है, उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे टीम नंबर 9 के एक बंदे को डाउन कर दिया गया, बाकी के दो बंदे जैसे तैसे करके यहाँ पे ओके बहुत ज़्यादा करता है। डोंट थिंक यहाँ पे गाजी भाई जोन इन कर पाएंगे, फास्टर लगाने की कोशिश, लेकिन ओके लगा दिया जैसे तैसे करके। 2 मिनट ओके, 1 सेकंड रुक जाओ, काम है छोटा सा। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा एक छोटा सा काम है कर देने दो। वार्निंग दिया इस बंदे को और इसके बाद नहीं दूंगा। बिल्कुल भाई कोई भी मरता है भाई उसका बैड रीजन ऐसा ही चलता है ब्रो, चलो कोई ना।
हेलो ऑल चैट, ये ऑल अरे चैट, ये ओए ओए ऑल साले, ब्रो चैट। स्टीम से सो भाई रहा है, तू गिर थोफी कोई कर, कांटेक्ट तू करा गिर एडमिन को, कर, मैं कुछ नहीं कर सकते आया उसका। हमारी आयो हर टीम 25 बंदे, 26 में इस गेम का हो अरे चुका है। हील ही नहीं लेट्स कर रहा सी भाई, क्या होता है इसके बाद, कौन सा टीम चिकन तू लाएंगे। हील कर, हील मार। हाँ बिल्कुल, उसके ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, कुछ पीएमसी वो नहीं चल रहा आप लोगों के लिए कि मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का डिले करूँ। अगर आपको नहीं खेलना तो फिर आप मत खेलो। मैं कोई ज़बरदस्ती क्या बोला कि आप लोगों को खेलना ही तू है। हील कर भाई पहले, आप हील लोग अगर कर। पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो फिर मत करो। यहाँ पे विनोद भाई डाउन हो चुके हैं, बाकी के बंदे को यहाँ पे जोन इन करना पड़ेगा। जोन एक फिर से वो भाई साहब इनके साथ बातें करने टाइम मैंने देखा नहीं, जोन एक गलत हाफ शिफ्ट ले चुका है, बिल्कुल नॉर्दर्न और राइट हैंड शिफ्ट साइड में भाई साहब गलत। यहाँ पे टीम नंबर, ओ भाई साहब पानी में घुसा दिया हमें टीम नंबर 8 का टीम, परमिंदर सिंह। बिल्कुल भाई, टोटल 3 मैचेस होंगे क्वालिफायर्स में। आराम से कर ली, 45 यहाँ पे सेकंड टीम देख नंबर लिया पूरा थर्टीन सेट का ही। टीम हम लोग देख सकते हैं ऊपर साइड में है भाई। यहाँ पे टीम नंबर 22 को स्पॉट के डैमेज शॉट्स नहीं ले, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा और मूव इन करना है जोन के लिए। वहाँ पे डीएलएस का एक बंदा भाई डाउन हिल हुआ, टीम चाहेंगे, नंबर हिल एट और चाहेंगे। ओ भाई यहाँ पे पानी पानी में है। टीम नंबर 8 का टीम भी पानी में है, टीम नंबर 9 इधर है, टीम नंबर 13 को भी यहाँ पे जोन इन करना होगा। लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि टीम नंबर 22 लोग के पास शॉट्स लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउन हो गया। टीम 13 के एक और बंदे के पास अगर चले तो नो गलती, फिलहाल नो इनके गलती। सामने टीम नंबर 22 का टीम। भाई ये बात बताओ, इतने सारे टीम्स हैं इतने से जोन लेफ्ट में था, लेफ्ट था। कैसे स्ट्रीम स्नाइप करेंगे, मेरे को नहीं पता भाई। कार स्लॉट फिलहाल टीम नंबर 8 के अकेला ही बंदे जिंदा है। तुम भी करो तुम्हारा गेम खराब होगा बिल्कुल। अरे एक बंदा कितना डिरेक्शन में दो देख पाएगा, लाइक जो गेम देखेगा वो कैसे खेल पाएगा भाई, डेंजर। जो स्ट्रीम देखेगा वो कैसे खेल पाएगा एक ही टाइम में, ये बात बताओ मेरे को। मेरे को नहीं पता। अभी नहीं शुरू में आपके फेल देते थे, अभी अरे स्किल रिक्वायरमेंट है भाई। नहीं शुरू में आके अरे फेल वो तो देते हैं, पीएस में समझा आते नहीं हैं ना, फेल पी देते में हैं आते हैं मतलब। पॉइंट्स टेबल के अनुसार। ओके मैं ये वाला गेम खत्म होने जाता जाने दो, उसके बाद मैं बातें कर रहा इसके रिगार्डिंग, रुक जा थोड़ा सा। एम फॉर 30 लाइक्स, आ गया, बिल्कुल रुक भाई आ गया, 30 लाइक्स कर रुक, दो, कॉल बना, 4 और लाइक्स कॉल चाहिए बस, 30 लाइक्स हो बना। जाएगा हम लोगों का। मत मत निकल यू, मत छोटा निकल सा यू, मत स्ट्रीम निकल है यू, हम कॉल लोगों का बना, बस कॉल बना। एक ही गेम का, तो फिर उसमें भी अगर 30 लाइक्स कर दो भाई बहुत बूस्टर बहुत बढ़िया। टीम तो नंबर मार एट के सकता है, क्रास लॉर्ड भाई तो बिल्कुल मार सकता है बूस्टर, तो मार अकेला सकता ही है बूस्टर। बंदा, अरे दिक्कत में हम लोग देख सकते। टीम नंबर 22 के चारों के चारों बंदे हम लोग वो देख सकते हैं जिंदा रुबड़ा है। ऑल ओ चैट मत भाई किया, यहाँ पे टीम नंबर 7 के एक बंदे को वहाँ पे अबे हो बोल तो भाई नहीं दे रहा, कॉल साहब बना दिया, दिक्कत ग्रेनेड, ओपी एक देखो ग्रेनेड था वहाँ तेरी पे, माँ की डाउन निशानी कर है, देगा। तेरी लेट्स माँ एक की, और कनेक्ट कर पाएंगे या फिर तेरी नहीं। माँ को नहीं होगी ना लैंड होगा, तेरी माँ की माँ चुप ओके तेरी माँ नहीं की माँ कर चुप बंदा चुप पाया बंदा वहाँ पे सेवन। टीम तेरी नंबर माँ सेवन चुप के पास बंदा चले, टीम यहाँ नंबर से सेवन बंदा का शट भी शट चारों बंदे जिंदा है, लेकिन एक माँ बंदा चुप नॉक बंदा पड़ा। चुप लेट्स बंदा सी, चुप। टीम नंबर 12 के साथ फाइट है, लेकिन एक बंदे को रुक जा तेरी बिल्कुल माँ की वन माँ इधर, एचपी देख मैं दिए, रुक जा, लेकिन देख डाउन मैं रुक जा, होते हुए टीम नंबर 7 का। अगर बाकी के बंदे के पास चले तो फिलहाल टीम नंबर 7 के एक बंदे को डाउन किया, शायद से टीम नंबर 8 के बंदे को आई गेस वहाँ पे स्पॉट के डाउन कर देंगे इन द मीन टाइम। टीम नंबर 7 के एक लौता बंदा फिलहाल जाने की कोशिश कर रहे थे जोन, लेकिन नहीं कर पाए। यहाँ पर टीम नंबर 22 का बंदा फिलहाल टीम नंबर 21 के ऊपर शॉट्स ले रही कंटिन्यू। लेट्स वहाँ पे टीम नंबर 21 का बंदा जोन इन कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल लौता ही बंदा जिंदा है यहाँ पे बिल्कुल 20 HP पे। समझने से टीम नंबर 22 का टीम आता हुआ कुछ करने की कोशिश किए थे, लेकिन नहीं कर पाए। इसके साथ साथ 1v1 का गेम बचा है यहाँ पे, टीम नंबर 22 वर्सेस टीम नंबर 9 के बीच। अभी नहीं जब शुरू होता है उसके टाइम में आपके स्ट्रीम टाइम करते करके मरते हैं, वही बोल रहा मैं। अर्ली फाइज में कोई भी फाइट नहीं स्ट्रीम करता ब्रो, आप खुद ही जाके देख लो। मैं अर्ली फाइट्स कुछ कोई भी एवं पूरा मैं कोई भी नहीं दिखाया, जाके देख लो ब्रो। ARS को भी मोर बना सकते हो, वो भी रो चाहते हो। ओपी नेट बिल्कुल, आई ट्राई टू गिव सपोर्ट देबू भाई। एडिट भाई बिल्कुल मैं बना रहा स्ट्रीम, ये वाला गेम खत्म हो जाने दो। नहीं रात के स्ट्रीम बिल्कुल ब्रो, PMCW PMWCW का आखिरी गेम है, इट हेल्प टू मी। अरे एडिट भाई कोई ना ब्रो, आप भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो डेली आके स्ट्रीम पर, मैं बातें कर रहा हूँ ब्रो। एक सेकंड परनीत सिंह जो जो देख रहे हो भाई रुक जाओ। मैंने एक बंदे को वहाँ पे वार्न किया क्योंकि वो गाली दे रहा था, ये नहीं क्योंकि वो उसने स्ट्रीम स्टैम की बात की। आप लोग स्ट्रीम स्टैम की बातें ज़रूर कर सकते हो, लेकिन गाली नहीं मत दो,
सिंपल सी बात है, अगर गाली दोगे तो फिर बैन मिल जाएगा, सिंपल बात है। अगर नॉर्मल बातें कर सकते हो तो फिर ज़रूर मैं सुनूंगा आप लोग की बात है। यहाँ पर टीम नंबर 22 और 9 के बीच 1v1 का सीन है, पर देखते क्या होता है। मैं टीम नंबर 22 के पास शॉट्स तो ले रही कंटिन्यू गाजी भाई, लेकिन नहीं कनेक्ट कर पा रहा वहाँ पे। टीम नंबर 22 वहाँ पर आगे जोन ही कनेक्ट, दिक्कत का सीन बनता हुआ। इसके साथ साथ टीम नंबर 9 का टीम चिकन लाती सेकेंड पोजिशन में आई, वहाँ पर जंगली का टीम, और थर्ड पोजिशन में आई वहाँ पर VT का टीम। नाइस 1v1, नाइस बिल्कुल भाई 1v1 नाइस गेम गेला। इसी के साथ साथ हम लोग का फिफ्थ गेम खत्म होता हुआ। ओके अभी बताओ किसको क्या बोलना है, हम लोग का तो गेम खत्म हो चुका है PMCW का। अभी आप लोग बता सकते हो किसको क्या बोलना है, अभी मैं सुनने वाला हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सुनने में। आप बताओ किसको क्या क्या रिवाइंस स्ट्रीम स्नैप के बारे में, उसके बाद मैं रिप्लाई कर रहा। बताओ, मैंने दोनों हेडफोन कानों में लगा दिया है, अब बताओ। अभी तो बंदे चले गए, सारे बंदे चले गए, अब बताओ भाई। इतना देर से बता रहे थे कि ये करो वो करो, और जब ख़त्म हो गया गेम तब सारे बंदे चले गए। आप कौन सुनेगा भाई, आप क्या ही करे भाई, आप बताओ एडिट भाई, आप हम क्या करें। जब मैं बोला गेम ख़त्म होने तक वेट करो, मैं गेम ख़त्म होने के बाद मैं सबका सुनूंगा, तब सब लोग चले गए, अब हम क्या करें, जॉब छोड़ दें। आप एक यूट्यूबर हो जो सब याद करते हो, एंड यू टू सपोर्ट योर सब्सक्राइबर्स एंड देन स्पेशल और थैंक्स एडिट भाई। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि आप लोग ही मेरे को सपोर्ट करते हो ब्रो। गैस भाई मैं भी कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए कुछ मैं कुछ करने के लिए भाई। हम तो खेला वाला चले बिल्कुल ब्रो, अभी अब 3D वाचिंग वाली वही बोल रहा मैं। जब इतना देर से गेम के बीच में ये लोग बातें कर रहे थे, लेकिन जब गेम ख़त्म हो गया तब सारे बंदे चले गए, वही बोल रहा मैं। लेकिन एंड तक अगर एक बात बता, अगर स्ट्रीम स्नाइप हो ही रहा है तो फिर एंड तक कैसे 13 वाचिंग आ सकता है। एंड में जब 2 से 3 टीमें तब भी 13 वाचिंग ही आ रहा था मेरा, तब कैसे आएगा, ये एक बात। और दूसरा आर्ली फाइट्स में जो बोल रहा था ये लोग कि स्ट्रीम स्नाइप होता है, लेकिन आर्ली फाइट्स में नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही बात, मैं आर्ली फाइट्स में एक भी फाइट दिखाता ही नहीं। मैं आर्ली फाइट्स में यही बोला था कि आर्ली फाइट में स्ट्रीम स्नाइप होता है, इसलिए मैं एक भी आर्ली फाइट कवर ही नहीं करता। लियो गेमिंग भी बोल रहा था कि आर्ली फाइट्स कवर करो, मैं एक भी आर्ली फाइट्स कवर नहीं करता, बिल्कुल ये इसी वजह से कि स्ट्रीम स्नाइप हो सकता है। मेरे को नहीं पता जो दूसरा स्ट्रीमर है वो कितना डिले करता है, लेकिन मैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स तक का डिले करता हूँ, और यही बात है सिंपल, 30 सेकेंड्स तक का डिले करता हूँ, और आर्ली फाइट्स हम लोग दिखाने की नहीं कोशिश करते, जैसे कि स्ट्रीम स्नाइप ना हो। अब मैं और क्या कर सकती, इसका तो हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते। PMC हो तो वगैरह 5 से 10 मिनट तक का मैक्स टू मैक्स डिले रहता है, हम क्या PMC करवा रहे हैं कि 5 से 10 मिनट तक का बंद करवाए, हाँ डिले करे, उसका तो हम कुछ कर तो नहीं सकते। जो मत सुनो ब्रो, यू आर डूइंग बेटर देन बिफोर, बहुत बहुत शुक्रिया एडिट भाई। छोड़ दो भाई, कंट्रोल भाई कंट्रोल, अरे कंट्रोल ही कर रहा भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एलिगेशंस बोल रहे थे ये बिल्कुल लाइक मीनिंगलेस रहता है ब्रो, लाइक हम लोग किसी का कुछ कर नहीं सकते। एंड इस ये एक्चुअली स्किल्स बेस्ड भी रहता है, कोई बंदा अगर देख भी रहा तो स्ट्रीम स्नाइप कर भी रहा तो फिर भी अगर 4v4 लेना है तो फिर स्किल्स के ऊपर ही रहता है भाई, क्योंकि अगर आपके पास इनफ स्किल्स हो तो फिर कोई स्ट्रीम स्नैप करके अपना स्किल्स से इंक्रीज नहीं कर सकता ना। कुछ भी होगा, अगर आपके पास स्किल्स है तो फिर आप आसानी से उनको डाउन कर सकते हो, मेरा मानना तो यही है। इट्स ओके ब्रो, ऐसा होता है बिल्कुल भी, मैं लाइक ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा सुनता वगैरह रहता हूँ, रिप्लाई करना मेरा काम है, मैं कर देता हूँ, कोई दिख रहा नहीं दिख रहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। गुड नाइट ब्रो, बिल्कुल ब्रो गुड नाइट एडित भाई, गुड नाइट अक्षत ब्रो, गुड नाइट प्रमित भाई, क्योंकि बाकी सारे बंदे तो गेम ख़त्म होने के साथ साथ ही चले गए। चलो भाई गैस, हम लोग कल वापस आएंगे फिर से PMCW वगैरह स्ट्रीम करने के लिए, और जो जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स आपके पहचान में अगर हुए तो फिर ज़रूर मेरा कांटेक्ट देना, हम सबको सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे सबको सपोर्ट करने के लिए। एडिट भाई बिल्कुल गुड नाइट ब्रो, चलो स्ट्रीम बंद कर देते, 45 मिनट्स का एक छोटा सा स्ट्रीम रहेगा ये।